अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हुए उपद्रव के दौरान मेरठ में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी को मेरठ प्रतापपुर पर ही रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बताया कि यहां धारा 144 लगी हुई है, अति व्यस्त मार्ग है, यदि इस दौरान शांति भंग होती है तो उसके लिए वह स्वयं भी जिम्मेदार होंगे। पुलिस का दावा है कि इस पर कांग्रेस के दोनों ही नेता वापस दिल्ली रवाना हो गए। जाने से पूर्व दोनों ने पीड़ित परिजनों से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी। दोनों नेताओं के इंतजार व्यवस्था में लगे कांग्रेसियों को जैसे ही पता चला कि उन्हें प्रतापपुर से वापस भेज दिया गया तो भड़क उठे। मौके पर मौजूद इमरान मसूद, पंकज मलिक आदि ने कहा कि हंगामा खड़ा करना उनका मकसद नहीं है, लेकिन गरीब मजलूम की आवाज़ में जरूर उठाएंगे। पुलिस ने जनरल डायर की तरह सीधे फायरिंग कर 5 लोगों को मौत के घाट उतारा है, लिहाजा पुलिस के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की जाए। नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान मेरठ में भी बवाल हुआ था। इस दौरान कई वाहनों के अलावा पुलिस चौकी को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। दोनों ही तरफ से सीधे फायरिंग हुई थी। इस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए इन लोगों के नाम पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट में शामिल कर लिए गए हैं, यानी इन लोगों को भी दंगाई माना गया है। राहुल व प्रियंका के आने की खबर जैसे ही फैली, भूमिया पुल के निकट गुलजार इब्राहिम में भीड़ जमा हो गई। कांग्रेसी भी वहां पहुंच गए, जबकि पुलिस ने भीड़ में संकरी गलियों से दूरी बनाए रखी। शुरू में जैसे ही इमरान मसूद, पंकज मलिक आदि पहुंचे तो हलचल बढ़ गई। मारे गए सभी लोगों के परिजनों को एक जगह इकट्ठा किया गया, लेकिन जैसे ही यह पता चला कि दोनों नेताओं को आने नहीं दिया जा रहा है, उनमें रोष फैल गया। यहां इमरान व पंकज ने कहा कि योगी की पुलिस उन्हें किस डर से यहां आने नहीं दे रही है, लोकतंत्र में यह क्या हो रहा है, जनरल डायर की तरह लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं इमरान मसूद। ये बेइंतहा तानाशाह पूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश सरकार का है कि आप गोली भी मारेंगे और जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अगर हमारे नेता आना चाह रहे हैं तो उनको आने भी नहीं देंगे। नीचे करो गर्दन। अभी इमरान भाई क्या हुआ है, कहां रोका गया है उनको? जबरदस्ती बॉर्डर के ऊपर उनको रोका गया प्रतापपुर में, और वहां से उनको वापस किया गया, और ये कहा गया कि हम 2 दिन के बाद आपको परमिशन दे देंगे। मैं सब लोगों से, एक मिनट भैया आप प्लीज, मैं सब लोगों से आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी का संदेश एक देना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी। सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम लोग दोबारा आएंगे और सारी चीज की रिपोर्ट, अभी हम एक एक चीज की रिपोर्ट राहुल जी को और हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी को देने का काम करेंगे। मैंने प्रियंका जी की बात टेलीफोन से करा भी दी है और उन्होंने कहा है कि दोबारा हम लोग फिर परसों तरसों को प्रयास करेंगे कि दोबारा आपके बीच में आ जाएं। इमरान भाई, योगी सरकार से कुछ इमदाद मांगेंगे, मदद मांगेंगे मृतकों के लिए? देखिए, योगी सरकार ने जो कुछ किया है, जो कुछ योगी सरकार ने किया है, उनसे मदद की उम्मीद तो उनसे करें, जो मदद देने की सोच भी आप अपनी तरफ से कुछ करेंगे? हमारी पार्टी मदद करेगी और मदद के लिए हम लोग आ रहे हैं। हम मदद के लिए आ रहे हैं, हमारी पार्टी निकल रही है सड़क पर, हम ही लोग आ रहे हैं, हम ही लोग बात कर रहे हैं। और हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है। हम आज सिर्फ पीड़ित लोगों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करने आ रहे थे। उधर प्रतापपुर पहुंचे राहुल व प्रियंका को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। दोनों ने पूछा कि उन्हें किस आधार पर आगे जाने से रोका जा रहा है, क्या उनके पास कोई ऐसा आदेश है? इस पर पुलिस ने कहा कि यहां धारा 144 लगी हुई है, यह जिला विधि व्यवस्था की दृष्टि से अति संवेदनशील है, यदि उनके आने से विधि व्यवस्था प्रभावित होती है तो उसके लिए वे भी जिम्मेदार होंगे। बकौल पुलिस, इस पर राहुल व प्रियंका वापस चले गए। इसके बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने ट्यूबवेल तिराहे पर कुछ समय के लिए विरोध स्वरूप धरना दिया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं धरनारत कांग्रेसी। ये विश्वास रखिए, सबके सामने कहने जा रहे हैं कि आज तो प्रियंका जी को इन्होंने जबरदस्ती वापस भेज दिया,
लेकिन आने वाले सप्ताह में प्रियंका गांधी आपके बीच में दोबारा होंगी और प्रशासन को हम जवाब देंगे आपके साथ। मैं सभी माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके दुख दर्द में पहले भी शरीक थे, आज भी शरीक है, हम इस एनआरसी के खिलाफ थे और खिलाफ है और खिलाफ रहेंगे। मोदी तेरी साना साई, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 और जोर की टक्कर पे इस बारे में बात की गई एडीजी प्रशांत कुमार से। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं वो। माननीय सांसद राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का दौरा प्रस्तावित था। जैसे ही वो प्रतापपुर थाना क्षेत्र में आए तो प्रभारी निरीक्षक प्रतापपुर ने उन्हें यह बताया कि वर्तमान में मेरठ में पूर्णतः शांति है। यहाँ के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने धारा 144 लगा रखी है। इस पर धारा 144 के संज्ञान में लेते हुए वो लोग आपस में विचार विमर्श करने के उपरांत दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। आज इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।